समुद्र वसने देव पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। भारत की धरती अपने आंचल में असंख्य वीर योद्धाओं का इतिहास समेटे हुए। इस धरती के गर्भ में प्राचीन इतिहास दबा पड़ा है। जो लोग हिंदू धर्म ग्रंथों को काल्पनिक कहते हैं या जो लोग भारत के प्राचीन इतिहास को किस्से कहानियां मानते हैं, उन्हें भारत की धरती समय समय पर ऐसे सबूत दे देती है कि उनके पास उन सबूतों का कोई जवाब तक नहीं रह जाता और अंततः उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित इतिहास को मानना ही पड़ता है। मित्रों, आप सबको पता ही है कि अभी कुछ समय पहले जब भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था, उस समय भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम तो काल्पनिक है तथा रामायण किताब भी कहानियों की किताब है। उस समय पुरातत्व वैज्ञानिकों के माध्यम से इसी धरती ने अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थल होने के प्रमाण दिए थे। अंततः कोर्ट तथा प्रतिवादी पक्ष को भी मानना पड़ा था। इस तरह हजारों वर्ष पुराने इतिहास को इसी धरती ने सिद्ध किया था। साथ ही भगवान राम व हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अस्तित्व को बचाया और आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। जब जब इस धरती पर अत्याचार व अधर्म बढ़ा है, तब तक भगवान ने अवतार लिया है और आगे भी वह आते रहेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यह। महाभारत का युद्ध केवल राज सिंहासन के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि यह अब तक का सबसे बड़ा धर्म युद्ध भी था जो 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध में ऐसे ऐसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था जो आज के परमाणु बम से भी अधिक विनाशकारी थे। प्राचीन भारत का विज्ञान इतना उन्नत था कि आधुनिक विज्ञान भी उस पर रिसर्च कर रहा है। महाभारत युद्ध में एक से एक वीर योद्धा तो थे ही, साथ ही युद्ध की ऐसी तकनीक भी थी जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। विश्व के इतिहास में इतना भीषण युद्ध दोबारा घटित नहीं हुआ। महाभारत युद्ध में 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यह एक ऐसी युद्ध तकनीक थी जिसे भगवान श्री कृष्ण के अलावा अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही भेज सकते थे। अभिमन्यु केवल इसमें प्रवेश करना ही जानते थे। आज के इस वीडियो में हम चक्रव्यूह के विषय में तो बताएंगे ही, साथ ही उस स्थान के विषय में भी बताएंगे जहाँ महाभारत में चक्रव्यूह की रचना हुई थी और वह प्रमाण आज भी मौजूद है जिन्हें देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं द साइंट इफेक्ट हिंदू। चक्रव्यूह एक ऐसी युद्ध पद्धति थी जिसे भेदना असंभव था। इसमें कुल 7 परतें हुआ करती थी। सबसे अंदरूनी परत में सबसे शौर्यवान सैनिक तैनात होते थे। यह परत इस प्रकार बनाए जाते थे कि बाहरी परत से अंदर की परत के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते थे। सबसे बाहरी परत में पैदल सैनिक और अंदरूनी परत में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हाथियों की सेना हुआ करती थी। चक्रव्यूह एक भूलभुलैया जैसा होता था जिसमें शत्रु एक बार फंस गया तो बाहर नहीं निकल सकता था। चक्रव्यूह में हर परत की सेना घड़ी के कांटे की तरह हर पल घूमा करती थी, इसलिए इसके अंदर प्रवेश करने वाला शत्रु अंदर ही खो जाता था। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक जगह पर 48x128 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या 1.8 मिलियन थी। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी, उस समय वहां पर न अर्जुन थे और न ही भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अभिमन्यु प्रवेश करना जानता था। इसीलिए अभिमन्यु ने भीम से कहा कि आगे आगे मैं प्रवेश करता हूँ, पीछे पीछे आप सब रहिएगा। परंतु चक्रव्यूह की रचना कुछ इस प्रकार थी कि चक्रव्यूह की हर परत दूसरी परत की परिक्रमा करती थी, जिसके कारण उसका प्रवेश द्वार हर पल बदलता रहता था। जब अभिमन्यु प्रवेश कर गया, उसके अगले ही क्षण द्वार की दिशा बदल गई, जिसके कारण भीम या उनके भाई चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। अभिमन्यु अब पीछे भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि जो दीवार तोड़कर वहां अंदर आया था वह पहले की अपेक्षा और भी मजबूत हो गई थी। साथ ही आगे वाले योद्धा और शक्तिशाली थे। अभिमन्यु ने लड़ते हुए 6 दीवारों को तोड़ा। चक्रव्यूह के केंद्र तक पहुंचते पहुंचते वह थक चुका था, जबकि केंद्र में मौजूद योद्धा शक्तिशाली तो थे ही, साथ ही थके हुए भी नहीं थे। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु चारों ओर से गिर गया और उसने बहुत ही वीरता पूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गया। जहां पर अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई थी, वह जगह आज भी मौजूद है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है आमीन। कहा जाता है कि इस गांव का नाम पहले अभिमन्युपुर था, बाद में इसे बदलकर आमीन कर दिया गया। इस गांव में आज भी महाभारत काल के अवशेष मिलते रहते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि चक्रव्यूह का केंद्र अभिमन्युपुर गांव में ही था।
यहीं पर अभिमन्यु मारा गया था। इसीलिए इस गांव का नाम पहले अभिमन्युपुर हुआ करता था। पुरातत्व वैज्ञानिकों को यहां पर खुदाई में बहुत सी महाभारत कालीन चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। इन चीजों में उन्हें कुछ जंग लगे हथियार भी मिले हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर पहले एक किला भी था जो रख रखाव के अभाव में मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो चुका है। कहा जाता है कि कर्ण के रथ का पहिया भी इसी गांव में एक स्थान पर धस गया था और यहीं पर कर्ण का भी वध हुआ था। अमीन गांव में पुरातत्व वैज्ञानिकों को जंग लगे हथियारों के अलावा महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन तथा अन्य दूसरी धातुओं से बने बर्तन भी मिले हैं। साथ ही यहां पर एक विशालकाय नरकंकाल भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि यह घटोत्कच का हो सकता है। यहां खुदाई करने पर लाल मिट्टी निकलती है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में इतना ज्यादा रक्तपात हुआ था कि उसी रक्त के कारण यहाँ की मिट्टी लाल है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि कुरुक्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के नजदीक है। इन पहाड़ियों का रंग चॉकलेटी ब्राउन है। बरसात में पहाड़ों से गुजरता हुआ पानी जब नीचे आता है तो साथ में चट्टानों के कण भी पानी में मिल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। परंतु जब उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की 48 वर्ग कोस भूमि का ही रंग क्यों लाल है, आसपास की दूसरी जगह का क्यों नहीं, तो उनके पास इसका जवाब नहीं मिलता। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि महाभारत में वर्णित बात सत्य है या वैज्ञानिकों की बात सत्य है, कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।